कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ कुटिया ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर भूख हड़ताल की। सभी कर्मचारी एक जगह इकट्ठे हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। इस दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ राम कुमार गुज्जर ने बताया, हालांकि शिक्षकों की 5 दर्जन मांगे हैं, लेकिन 1 दर्जन मांगों पर सहमति बनी थी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी इन मांगों को जल्द लागू करने की बात कही थी, लेकिन इनमें से एक भी मांग को अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण इस आंदोलन की नौबत आ पड़ी है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। हमारी कुंडिया की कुछ डिमांडें थी, पहले हमने प्रशासन को 12 डिमांडें दी थी, जिसे हमारी मुख्य रूप से ERP प्रमोशन थी, ERP हमारा ऐसे ऐसे कर्मचारी था जी से तक सबसे जी सादे वेतनी होकर एरियर नहीं मिले हमारे अभी तक, और कुछ बहुत ओल्ड स्टाफ रह चुका एरिया अभी तक नहीं मिला जी। प्रमोशन थी हमारी लाइब्रेरी की, कुछ पोस्टें हमारे पहले होती थी लाइब्रेरी में, 12 पोस्टें थी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, उनको डाउनग्रेड करना था प्रोफेशनल असिस्टेंट में, वही हमारी डिमांड थी। एक हमारे कर्मचारियों को काफ़ी टाइम से बिल्डिंग लोन नहीं मिल रहा जी, 2 साल से कम से कम बिल्डिंग लोन फिजिकल तरीके में मिल रहा, वो मेरी मुख्य डिमांड थी जी। कुछ हमारे कर्मचारी 2014 में पक्के हुए थे जी पॉलिसी में SFS के, उन साथियों को कोई बेनिफिट नहीं, ना मेडिकल का, ना LTC का, ना बच्चे अलाउंस का जी, तो उन साथियों को जैसे हमारे बाकी कर्मचारियों को उनको वैसे मिलना चाहिए। एक हमारे साथी टाइप टेस्ट है, जो हमारे साथी होते हैं 4th क्लास से प्रमोट, उनका टाइप टेस्ट था, वही मेरी मुख्य मांग डिमांड थी। जब तक हमारे पता मांगे नहीं मानता, ऑर्डर नहीं करता, लिखित रूप में ऑर्डर देगा इम्प्लीमेंटिंग, तब तक हमारे आगे और भी प्रोग्राम आगे और भी बढ़ाएंगे आंदोलन, आगे हमारी जनरल बॉडी में शुक्रवार को हमें फैसला लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई बार बात कर चुके हैं, उनसे मीटिंग भी हुई है, उन्होंने कमेटियाँ भी बनाई हैं, लेकिन जो हमारी डिमांडें थी उनके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और वो सारी की सारी अभी तक पेंडिंग पड़ी है। उनसे बार बार हम अनुरोध करते रहते हैं कि भी आप हमारी इस जो डिमांड्स हैं इनके ऊपर पुरजोर जो भी कार्रवाई करनी है और जितनी जल्दी करनी है वो कीजिए, ताकि जो भी एम्प्लॉइज़ का नुकसान हो रहा है, उनके जो बेनिफिट्स खराब हो रहे हैं वो उन्हें मिले, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा।